हम लोगों ने अधिकरणा फाउंडेशन की ओर से एक बार चेयरमैन को, सीईओ को, रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखा है ट्रेन स्टॉपेज के लिए, और साथ साथ में हम लोगों ने दूसरा पत्र आप देख रहे होंगे हमारे भाई के हाथ में है, जीएम को भी हम लोगों ने, फेयरली के हम लोगों के ईस्टर्न रेलवे के जीएम को भी हम लोगों ने दिया है। ट्रेन स्टॉपेज यहाँ अत्यंत आवश्यक है और 5 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है कोरोना काल के समय से, और अब तक हम लोगों को कोई ट्रेन स्टॉपेज नहीं मिला है। और मुझे रेलवे बोर्ड की ओर से और आसनसोल डिवीज़न की ओर से सीतारामपुर में रेलवे कमेटी में भी रखा गया है, सीसी कमेटी में, इसीलिए मेरा दायित्व बनता है कि सीतारामपुर स्टेशन का जो भी उन्नयन से जुड़ा हुआ कार्य को देखने के साथ साथ क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसे भी उजागर करना चाहिए। आज सीतारामपुर में अगर ट्रेन स्टॉपेज होता है तो यहाँ ऑटो और यहाँ पर यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा, और साथ साथ में जो यहाँ पर जो रेलवे का जो अर्निंग है जो अभी बहुत सारा कम है वो अर्निंग भी बढ़ेगा। इस लेटर के माध्यम से हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सीईओ को और जीएम महाप्रबंधक ईस्टर्न रेलवे को ये जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर पीआरएस जो सुबह 8 बजे से चलना चाहिए वो 8 बजे से नहीं चल रहा है, तो वो पीआरएस 8 बजे से होना चाहिए। और सामने एक टॉयलेट है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, जो हाई स्टैंडर्ड टॉयलेट है, इस टॉयलेट को भी आरंभ करना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने सीतारामपुर के लिए जो ट्रेन स्टॉपेज है, जैसे मिथिला है एक तरफ से है अप में है तो डाउन में नहीं है, काठगोदाम डाउन में है तो अप में नहीं है, और सुबह का जो लोकल है, सुबह का जो लोकल ट्रेन को बंद कर दिया गया है, लोगों को विधान से जाने में असुविधा हो रहा है। रात को 11 बजे वाला जो लोकल है, जो आसनसोल से धनबाद जाने वाले रोज़ कमाने खाने वाले लोग आज भी स्टेशन पे रेलवे यात्रा पर भरोसा रखते हैं, स्टेशन से यात्रा करने पे भरोसा रखते हैं। गरीबों का सहारा है रेलवे, और रेलवे को लाइफ लाइन कहा जाता है भारत का। तो हम लोग पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को, माननीय जया वर्मा सिन्हा जी को, और महाप्रबंधक जो है हमारे जीएम ईस्टर्न रेलवे के, उन्हें भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आवेदन किया है। जेडीआरसीसी के सदस्य बाल मुकुंद जी को भी हम लोगों ने आवेदन किया, जो एमआर स्पेशल के सदस्य हैं, उन्हें भी हम लोगों ने आवेदन किया है कि ट्रेन यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए।